आज मैं कटहल की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा, और इस तरीके से आपने कटहल शायद कभी नहीं बनाया होगा, और अगर बनाया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले मैंने कटहल को इस तरीके से छील लिया है और ऊपर वाले पार्ट को मैं काट के निकाल दूंगी कुछ इस तरीके से। ऊपर वाले पार्ट को निकालने के बाद मैं इस तरीके से खोल दूंगी कटहल को जिससे बीज वाले पार्ट सारे निकल आएंगे। और इस तरीके से मैंने बीज वाले पार्ट को निकाल लिया है। इनको इस तरह से करके निकालना होता है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। बीज वाले पार्ट को निकालने के बाद मैंने यहाँ से दाने को, जो दाने वाले पार्ट है उसको इस तरीके से निकाल दूंगी। ये देखिए, इसे अलग करके, और ये वाले पार्ट भी अलग कर दूंगी चाकू से काट के कुछ इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से कटहल को बनाएंगे तो दांत मेरे से फंसने का डर नहीं रहेगा और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। चाकू से चीरा लगा के इस तरीके से बीज को अलग कर देंगे और इसके बाहर वाली परत को भी अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने कभी भी कटहल की सब्जी बनाई होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बेकार पार्ट हो गया, इसे साग कहते हैं कटहल का, इसे आप फेंक सकते हैं या तो दाल में डाल के बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी को अलग अलग कर लिया दानों को, ये देखिए उसके कवर से बाहर निकाल लिए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे, यकीन मानिए। इस तरीके से ये देखिए दाने को मैंने अलग कर लिए हैं। वाह, यहाँ पे मैंने कटहल के ऊपरी पार्ट को, जो ऊपर वाले भाग थे, उसको इस तरीके से चाकू की सहायता से बारीक बारीक टुकड़ों में काट दूंगी। फ्रेंड्स, कटहल की रेसिपी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यमी बन के तैयार होता है। रेसे वाले कटहल दांत में फंसते हैं और उतने टेस्टी बन के तैयार नहीं होते। जब दाने पक जाते हैं तो उस वाले कटहल को इस तरीके से बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने सभी को काट के अच्छे से धो लिया और एक पतीले में डाल लिया है इस तरीके से। देखिए, मैंने सभी को इकट्ठे डाल दिए, फिर दाने वाले पार्ट को और ऊपरी वाले पार्ट को कटहल के। अब यहाँ पे मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, साथ में डालूंगी पानी। पानी मैं आधा डालूंगी और इसको कवर करके छोड़ दूंगी। चूल्हे पे चढ़ा के स्टीम कर देंगे। आप चाहें तो कुकर में डाल के 1 से 2 सीटी लगा सकते हैं। तो कवर करके मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। जब तक उधर पकता तब तक मैं इधर कुछ मसालों की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, साथ में 2 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पे मैंने छोटे चम्मच से 3 चम्मच डाला है, साथ में सब्जी मसाला, जीरा पाउडर, और इसको पानी डाल के एक अच्छा सा पेस्ट हम बना के तैयार कर लेंगे। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मसालों का पेस्ट तैयार किया। एक जो मैंने सूखे मसालों से, ये मैंने तैयार किया है, इसको मैं रखूँगी अब साइड में। दूसरा पेस्ट मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा राई, और थोड़ा सा यहाँ पे डाला है मैंने सौंफ के दाने को मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से कटहल की सब्जी बनाने से बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और कोई खाने से आनाकानी नहीं करता है। तो 2 मसाले का पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब देख लेते हैं टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे लिए 1/2 किलो, क्योंकि मेरी जो कटहल की क्वांटिटी है वो लगभग 2.5 से 3 किलो है। 15-20 जने लोग आराम से खा सकते हैं। मेरे कटहल की क्वांटिटी से आप देख के पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 किलो टमाटर को इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर को काट के रख लिए। ये देखिए, यहाँ पे कटहल हमारा उबल चुका है, तो मैं एक करछी की सहायता से इसको पलट दूंगी ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से स्टीम हो जाए। यहाँ पे अच्छे से पलट दिया मैंने और ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र करने के बाद उसी पतीले को मैंने चढ़ा दिया और 5-7 चम्मच तेल डाल दिए हैं, 2 तेज़पत्ता, राई इसमें डाल दिया मैंने तड़का, साथ में जो पीसे हुए पेस्ट थे हरी मिर्च 3, और दोनों पेस्ट मसालों का मैंने यहाँ पे डाल दिया है, साथ में टमाटर भी डाल दिया है, और इनको अच्छे से भून लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद 1 छोटी चम्मच हींग डाल दिया है मैंने, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अच्छे से चलाने के बाद मीडियम टू लो आँच पे इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से मसालों को भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ग्रेवी से, और टमाटर को मैंने हल्के हाथों से यहाँ पे मैस कर दिया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी जो स्टीम करके रखे थे कटहल, यहाँ पे डाल के उसे भी अच्छे से भून लूँगी। फ्रेंड्स, इस तरीके से कटहल की सब्जी ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। कटहल छीलने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं शूट नहीं कर पाई जिसकी वजह से मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दिया है और ढककर छोड़ दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बन के तैयार हो चुका है। तब यहाँ पे मैं डालूँगी 1 कप सत्तू, ये ज़रूर डालिएगा, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और जो कटहल होता है उसके, इसमें
गाढ़ापन लेके आता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिए। सत्तू को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लूँगी। और फ्रेंड्स यकीन मानिए, इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब्ज़ी आपकी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने मिक्स करके अच्छे से चला लिए हैं, अच्छे से भून लिए हैं और ये सब्ज़ी से बहुत अच्छा फ्लेवर आना शुरू हो गया है। सब्ज़ी को भूनने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी, अब ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी पानी। पानी मैंने यहाँ पे 1 लोटा भर के डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी, पहले मिक्स करूँगी फिर डालूँगी, क्योंकि इसको फिर अच्छे से एक बार बॉयल लेके आना है, जिससे सब्जी हमारी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 1 लोटा पानी डाल दिया था, ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है। और कटहल की सब्ज़ी कई लोगों को नहीं पसंद होती है, लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। पानी डालने के बाद यहाँ पे ढककर मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पे अच्छे से उबाल आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे कटहल में, और सब्जी बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो चुकी है। हल्का हल्का मैश कर दें आप हाथों से, जिससे इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाए। साथ में यहाँ पे डाला है गरम मसाला। गरम मसाला डालना ना भूले, कटहल की सब्जी में गरम मसाला बहुत ही बढ़िया बन के तैयार करता है सब्जी को। इससे अच्छा फ्लेवर भी आता है और एक अच्छा टेस्ट भी आता है, तो गरम मसाला डालना ना भूलें। और यहाँ पे मैंने गरम मसाले को अच्छे से डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी या हरा धनिया, जो आपके पास अवेलेबल हो जरूर डालें। यहाँ डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दें, ये देखिए। अगर हो सके तो आप इसको यहाँ पे ढककर 1-1.5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और गरम मसाले पूरी सब्जी में फैल जाएगा। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।